है बाकी आपको रेस रेस भाई क्योंकि मैंने दो बार आगे निकाले अच्छा रेस करनी है शायद। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस लास्ट व्लॉग में हमने अप्रोच किया था गर्ल्स को, आई होप आपने वो व्लॉग देखा होगा, और नहीं देखा है तो देख लेना। एंड आपने उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिस्पांस दिया, इतना ही सपोर्ट मेरे को इस ब्लॉग पर भी चाहिए। तो बेसिकली आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, आज हम कोई रिएक्शन ले ही लेने वाले हैं। आज के ब्लॉग में मैं बेसिकली इसका एवरेज चेक करने वाला हूँ, एंड साथ के साथ एक स्वाइप भी ट्राई करेंगे और थोड़ी बहुत स्पीड भी ट्राई करने वाले हैं, साइड 900 की पावर क्या है। तो इसीलिए हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं और हाईवे पर चल रहे हैं, और हम ये बज रहे हैं शाम के 5 समथिंग। भाई शाम को इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, बहुत प्यारा, इतनी ठंडी ठंडी हवा, मतलब एक नंबर। ये देखो सामने आपको जो हाईवे दिख रहा है ना, वहीं चल रहे हैं अभी, और वहाँ ट्राई करने वाले हैं फ्लाई बाय। तो गाइस अभी हम फर्स्ट गियर पे ले चुके हैं एवरेज चेक करने के लिए, और देख जैसा कि आप देख सकते हो कि 10 का एवरेज शो कर रही है, और फर्स्ट गियर पे टॉप स्पीड आती है इसकी। ओके गाइस 50 इसकी स्पीड आती है और 8-9 पे ये एवरेज दे देती है फर्स्ट पे। आप सेकंड गियर डालते हैं, सेकंड गियर चेक करते हैं गाइस, सेकंड पे आती है भाई 70-80 समथिंग, और तब भी एवरेज का सेम ही रहता है 8-9-10। अब तीसरा गियर, थर्ड गियर पे देखते हैं। अरे भाई मतलब तेज़ भगाने में तो उसका एवरेज जाता ही है, अगर हम स्मूथ ड्राइविंग करेंगे तो ये 20 का दिखा रही है, हालांकि एक्यूरेट नहीं होता ये इतना, पर भी ये 20 का तो दिखा रही है। ठीक है अभी 30 आ रहा है, अरे भाई 30 कुछ भी कंपनी तो क्लेम करती है 17, हाँ 16 आ रहा है। अब फोर्थ लेते हैं, फोर्थ पे देखते हैं गाइस कितना आएगा। फोर्थ पे भाई आ रहा है स्मूथ ड्राइविंग के हिसाब से आ रहा है भाई कितना, 17-18 ही चल रहा है गाइस। अब पांचवा डालते हैं गाइस, चलो 5 रुपये क्या आ रहा है भाई, 27-25 वही है गाइस, मतलब 20-21 ही आ रहा है। और टॉप गियर पे कितना आएगा, 21, ठीक है 21, हाँ मतलब 25 का आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, मैं आपको मीटर दिखा भी रहा हूँ, हाँ 25 का आ रहा है टॉप गियर पे। कोई गाइस चलो इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं थोड़ी सी, अब टॉप गियर में थोड़ा ख़राब रोड है थोड़ा इस हाईवे पे, कभी अच्छे वाले हाईवे पे भी जाएंगे गाइस। अभी फ़िलहाल आसपास तो यही था, तो मैंने कहा यहीं पे कर लेते हैं। अरे भाई क्या मतलब गजब है गाइस, आजकल तो मतलब हम फ्लाई बाय मारने आए थे और फ्लाई बाय तो भाई मार गया, मतलब ये KTM वाला भाई कितनी तेज़ चला रहा है, अपन कितना चला रहे हैं 80 चला रहे हैं। ओहो मतलब Z900 की भाई कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी आगे निकाल के चला जाता है यार, बताओ गजब बेइज्जती है। ओहो क्या कहते हो गाइस, जलवा दिखाया जाए Z900 का, पावर दिखाई जाए भाई को। क्यों नहीं लास्ट टाइम अपने GTU दिखाई थी, हाँ थोड़ा KTM से भी ट्राई कर लेते हैं गाइस। चलो एक थोड़ा सा रोड से गया जाए, अरे ट्रैफिक ना अपन का मूड सारा खराब कर देता है। चलो भाई को चेस करते हैं, आप दिखाते हैं पावर। अरे भयंकर, अरे गाइस बहुत पावर है बहुत ही भयंकर गाइस, मतलब भाई वो KTM वाला तो इतना पीछे रह गया, इतना पीछे रह गया दिख भी नहीं रहा है। अरे अरे भाई ये तो मान ही नहीं रहा है, अरे यार भाई को फिर से पीछे करना पड़ेगा। अरे भाई क्या सीन है भाई, भाई तो पावर दिखाया जा रहा है। अरे रोड खराब है थोड़ा गाइस, अरे भाई अरे आराम से आराम से आराम से, ये रेस रोड नहीं है ना ट्रैक है भाई, यार मतलब गजब बेइज्जती है यार, कोई भी आगे निकाल के ले जाता है बताओ, Z900 की कोई पावर ही नहीं, जलवा ही नहीं है। अरे भाई
क्या सीन है, राइडर लग रहा है भाई देखने से तो। भाई ने अच्छी खासी मॉडिफाइड भी करा रखी है, राइडर ही लग रहा है भाई। चलो भाई, अरे भाई यहाँ तो पुलिस वुलिस ना मिल जाए। हेलमेट बेच रहे हैं यहाँ पे लोग। आ जा भाई, आ जा। भाई वो कह रहा होगा कि भाई कौन आ गया अचानक से। एक्चुअली क्या है ना, कोटा में पहली कावासाकी है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? लो भाई ने अपन को अप्रोच कर लिया, अपन अप्रोच करने वाले थे। भाई आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ भाई, आगे रोकते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है और अंधेरा। हाँ भाई बस रोकते हैं, यहाँ पे रोकते हैं, बात करते हैं क्या सीन है। भाई भाई से पूछे कि भाई इतनी ओवर स्पीडिंग क्यों हो। ऐसे गाइस मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करता हूँ, बट ये कि कभी कभी करनी पड़ जाती है। भाई आप क्या राइडर वगैरह हो क्या? हैं? राइडर ही लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो मोटे ब्लॉगर हूँ। हाँ रेस करना है, रेस। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, आपने एकदम से फ्लाई बाई मार दी, मैं मानने वाला था, मूड में आ गया था। राइड पे निकले भाई, राइड पे। हाँ राइड पे निकला था भाई, फ्लाई बाई और एवरेज चेक करने। हाँ हाँ हाँ, आपका भी लग रहा है भाई, देख के भाई अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करा रखी है आपने। जा रहा था मैं भी एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, करनी है बाकी आपको रेस। रेस भाई क्योंकि मैंने दो बार आगे निकाले। अच्छा बाकी रेस करनी है शायद आपको। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अरे रेस भाई मतलब नॉर्मल कर सकते हैं, ज्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। ड्रैग रेस करो भाई, ड्रैग रेस। अरे भाई नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भाई आप इतना बोल रहे तो कर लेते हैं, पर ये कि भाई आराम से चलाना है। ठीक है बिल्कुल, आप आ जाओ। पता लग जाएगा। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ भाई, आप भी देख लेते हैं किसमें कितना दम है। आ जाओ आप। चलो गाइस, भाई कह रहा है रेस करनी है तो भाई को फिर रेस करवा ही लेते हैं। भाई बहुत उत्सुक है रेस के लिए। चलो सीधा रोड करना है, सीधा। ठीक है गाइस, चलो चलो थोड़ा ट्रैफिक जाए गाइस। भाई की बाइक में तो मतलब ओके, 1 2 3 स्टार्ट। अरे गाइस पहले गियर में ही गाइस अपन ने पीछे कर दिया। भाई 50 ही गई थी स्पीड में तो। अरे अरे भाई, अरे अरे भाई, माय गॉड। अरे गाइस है पावर, आ जाओ। अरे अरे भाई, अरे भाई आराम से, अपन ओवर स्पीड नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि ये थोड़ा पब्लिक एरिया है, यहाँ पे अपन थोड़ा आराम से चलाएंगे। बहुत ट्रैफिक है, पर भाई बाइक भी अच्छी चला, भाई भी अच्छी चला रहा था बाइक को यार। तो भाई को भी थोड़ा जीने देते हैं क्योंकि यार वो है ना कि मेरे को भी पता है, जब मेरे पास कोई ऐसा बाइक वगैरह नहीं थी जो कोई आगे निकलता तो कैसा लगता था, तो भाई को जीने देते हैं अपन। ठीक है अपन हार जाते हैं गाइस, क्योंकि अपन दो बार तो वैसे ही जीत चुके हैं, तो अभी एक बार हार जाते हैं। और वैसे भी बहुत ट्रैफिक एरिया आ चुका है, बाकी भाई भी अच्छी चला लेता है यार। बाकी गाइस अभी अपन यहाँ से कैफे निकलते हैं। चलो भाई को भी पूछता हूँ कि अगर चलोगे साथ में क्या। चलो गाइस ये चौकी आ गई, ठीक है थाना आ गया अपना नंदपुरा का, यहाँ कोई खड़ा नहीं है, किस्मत अच्छी है। भाई रुको जरा, चलो चलो भाई को अप्रोच करते हैं गाइस। भाई यार बहुत सही चला लेते हो आप तो, मानना पड़ेगा। नहीं मतलब आपकी स्मूथ जा रही है बहुत बाइक। बाकी आपकी बाइक हाँ। स्मूथ है। अरे अरे लगने से तो हाँ। ऐसा ही लगा। अच्छा अरे नहीं नहीं आपका हेलमेट भी अच्छा है भाई। कौन सी बाइक है, कावासाकी Z900 भाई, Z900। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, मतलब हमारा मजाक उड़ाया जा। अरे नहीं 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 भाई, इतना तो हमें ही पता है कि Z900 और आपकी कोई कॉम्पिटिशन। अरे अरे भाई अच्छा, हाँ हाँ, नाइस भाई, क्या थैंक यू सो मच भाई।
यूट्यूब चैनल है। सोम जी 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 बिल्कुल भाई बिल्कुल शर्मा। ओके मैं देखता हूँ एक बार आप चेकआउट करो आ जाएगा। अभी तो भाई मैंने मतलब स्टार्टिंग फेज है ग्रो अप कर रहा हूँ। हाँ हाँ आप सपोर्ट करोगे तो। अरे बिल्कुल यही है ना एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल भाई यही है यही है। हाँ कोटा में ही भाई मैं मोटर ब्लॉग्स बनाता हूँ। Okay. आप भी कोटा से बिलोंग करते हो प्रॉपर? कोटा से ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा आप भी कोटा से ही हो। आपने बाइक को बहुत अच्छा मेंटेन करा हुआ है। हाँ नहीं मतलब एकदम न्यू जैसी लग रही है। कितना टाइम हो गया ले हुए? हाँ 2.5 इयर्स हो गए। क्या बात कर रहे हो 2.5 साल क्या बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल यार। अरे भाई मतलब कंडीशन तो बहुत प्योर रखी है आपने। बदनाम हो रखी है। सही कह रहे हो भाई मैंने देखा है। तो इसलिए क्या है ज्यादा मतलब लोगों को साथ लेके नहीं चलते। सोलो राइड पे जा रहा सोलो। अच्छा अच्छा इसलिए आप सोलो राइड करते हो। नहीं भाई केटीएम का बहुत नाम खराब करा हुआ है लोगों ने। ठीक है यार इसलिए ठीक है खुद ही निकालने से थोड़ा बहुत कतराते हैं। इस रोड पे खाली रोड हैं। बिल्कुल बिल्कुल ताकि हम इसकी पावर का मतलब देख सकें क्या है क्या। सही बात है। नहीं नहीं सही बात है। नहीं सही कह रहे हो भाई। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो कि बिना सेफ्टी गियर्स के निकल जाते हैं। हेलमेट नहीं पहना निकल गए। ठीक है वही है। बहुत सारे लोग देख रहे थे। अच्छा 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 मैं भी आगे थोड़ा सा आगे निकला था बीच में। मेरा भी मन नहीं कर रहा था आगे जाने का। ऐसा था कि पीछे एक बार भाई को देख रहे यार आवाज क्या चीज आ रही है बवाल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई मैं अभी कैफे जा रहा था। आप चलोगे ज्वाइन करोगे? उधर बात बात करते हैं बढ़िया से मिलेगा। बिल्कुल हाँ और मैं भी थोड़ा टाइम बात करते हैं। हाँ हाँ मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ। आप भी यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल आपकी आईडी क्या है? आपकी आईडी बता दो भाई। मेरी आईडी है द वैनम रितेश। ओके वैनम रितेश मैं देख लेता हूँ। आप दिखा दो थोड़ा। ठीक 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 अच्छा ये आपका इंस्टाग्राम हो गया उधर यूट्यूब है। ओके क्या हुआ भाई फोटो खींचना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है भाई मतलब रिएक्शन आने तो हम जहाँ खड़े होते हैं आ ही जाते हैं। यार दिन उस हो गए फैंस एवरीवेयर यार। अरे बहुत भयंकर। मैं तो खास दे रहा हूँ। हाँ भाई खास हो गया ले लो भाई अच्छे से ले लो फोटो। खड़े हो जाओ बीच में खड़े हो जाओ कोई बात नहीं भाई। सॉरी हो गया भाई। ठीक है भाई मिलते हैं ना सपोर्ट करना। तो गाइस अभी आपने देखे रिएक्शंस एंड भाई अपना सपोर्ट सब्सक्राइब कर रहा है। देख लो भाई देख लो आराम से कोई नहीं। आप सब ब्लॉग में आओगे भाई? ठीक है ब्लॉग में आओगे आप सब? अभी ब्लॉग ही शूट हो रहा था। हाँ मैं बाहर निकला था राइड के लिए। आ गया भाई आ गया। हाँ यही वाला है भाई यही वाला है। देखना आप ब्लॉग वगैरह कैसा लगा बताना। बिल्कुल भाई की। अरे 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 नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं अभी बस स्टार्ट ही किया मैंने तो मतलब Z900 की बात ही अलग है भाई। आप देखो हाँ मतलब जहाँ भी खड़ी होती है वहाँ पे लोग रुकना स्टार्ट हो जाते हैं। चलते हैं भाई। कैफे किधर अच्छा है थोड़ा आप आइडिया दो। मैं तो अभी थोड़ा कम घूमता हूँ। हाँ खाली जगह पे चलना है कहीं या फिर मतलब हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा हल्का सा क्राउड हो और मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो ऐसा एरिया और थोड़ा पुलिस पुलिस का ध्यान रखो। रजवाड़ी कौन सा वाला? रजवाड़ी यहाँ पे है अपने भावी नगर से थोड़ा आगे चलते ही रजवाड़ी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है आप चलो उधर पुलिस का चक्कर नहीं है ना। नहीं, नहीं, चलो ठीक है ओके डन। ठीक चलो आप आपको फॉलो करता हूँ मैं आप चलो आगे। यहाँ पे हम आ चुके हैं रजवाड़ी चाय वाला। वैसे तो खैर मैं चाय पीता नहीं हूँ। ठीक है और कॉफ़ी होगी तो कॉफ़ी लेंगे चाय तो मैं पीता ही नहीं। कुछ नया ट्राई करूँगा आपसे मोटो ब्लॉग में क्योंकि आपको पता है कि पुलिस वाले तो भाई रिस्पेक्ट ही नहीं करते कुछ। ठीक है उनको फर्क नहीं पड़ता कि कितने की बाइक है क्या है क्या नुकसान होगा। बस 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 वही कह रहा हूँ मैं आपसे। वो तो कैमरा छीन लगते हैं एकदम से कि भाई आप तो मतलब चोर वोर चोरी करके भाग रहे हो।
मैंने कहा भाई कितना महंगा कैमरा है। हाँ मारने लगते हैं, डंडे वंडे मार देते हैं, फिर एकदम से आगे तोड़ ऐसे कस के पकड़ लेते हैं भाई। हाँ अब भाई अपन जानते हैं कि अपन ने कितनी मेहनत से ली है, ठीक है, इनको तो पता नहीं है, मतलब जो चोरी करे उनको ये पकड़ नहीं रहे, बाइकर को तो ऐसे देखते हैं नजरों से, उनको पता है ना यार महंगी बाइक है तो। हाँ बस 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 वो चालान वगैरह खाना मिल जाता है, ठीक है महंगी बाइक है तो। गाइस यहाँ पे हम रुके हैं, भाई अपने रास्ते निकल रहे हैं, अपने घर निकल रहे हैं, ठीक है भाई आपसे मिलते हैं, ठीक है, और हो सकेगा साथ में कभी राइड करेंगे पक्के में, है ना, और बहुत मज़ा आया आपके साथ में, ठीक है, नाइस टू मीट यू भाई, हैं अच्छा लगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है, और करते हैं राइड, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई मिलते हैं, बाय, ओके गुड नाइट, ओके। ओके ओके आगे रुको आगे रुको। अरे गाइस सब्सक्राइबर मिल गया, मतलब ये ना बहुत प्राउड वाली बात है मेरे लिए कि भाई रास्ते में जाते हुए रैंडम ऐसे सब्सक्राइबर मिलता है। आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, यहाँ पे साइड में लगाते हैं अपन फटाफट से, चलो यहाँ रोकते हैं गाइस। सब्सक्राइबर आप? अरे भाई, अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा आपने बाइक से पहचान लिया ऐसा? ब्लॉग देखे हैं आपने सारे? चार की चार वीडियो देखे, सारे शॉर्ट देख के आए, सारे शॉर्ट देख के आए हो? मतलब सही लग रहा है ब्लॉग, सही अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छी आवाज है आप। हाँ अच्छा मजा आता है यार ब्लॉग। भाई देखो मतलब बेसिकली बहुत आगे जाना है अपन को, ठीक है, कोटा का नाम तो रोशन करना ही है अपन को, ठीक है, ये मान के चलो कि कोटा का हर बंदा जाने कि राइडर है, बस वही। बाकी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि यार तुम्हें मतलब ऐसी चीज़ें कर पाऊँ स्क्रिप्टेड ना हो, रैंडम हो, समझ रहे हो, नेचुरल हो, क्योंकि यार आजकल क्या है ना, हर जो मोटो ब्लॉगर है वो क्या कर रहा है कि बस स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और बस कहानी बना दी, कैरेक्टर ला दिए, वो नकली कर लेते हैं इस टाइप से। देखो तो आप अभी जाते हुए दिखे, हाँ फटाफट स्कूटी स्टार्ट। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल लाए हो? मोबाइल अभी घर पे है। अच्छा घर पे है, चलो कोई बात नहीं, फोटो खींचा तुम्हारा, बिल्कुल मिलेंगे। तो गाइस घर जाते जाते रास्ते में रैंडम सब्सक्राइबर मिलना भाई मतलब अलग ही लेवल की खुशी है यार, मतलब सच में दिल खुश हो गया भाई जब आगे से मतलब लोग अप्रोच करते हैं एंड बोलते हैं कि भाई ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड बहुत दिल से अच्छा लगता है, मतलब ये जो फीलिंग है ना मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा मिलके भाई से, एंड आई होप आप सब भी मुझे कहीं ना कहीं मिलो कोटा में, जल्दी मीटअप करेंगे गाइस। एंड KTM वाले भाई के साथ तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में, मतलब भाई का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा काम था, तो बेसिकली हो सकेगा तो आगे ज़रूर मैं उनके साथ किसी ब्लॉग में कॉलैब करने का ट्राई करूँगा। बाकी ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करी या फिर उनको कुछ वो बोला कि भाई आजा रेस कर ले ऐसा वैसा, आगे से उन्होंने ही बोला कि भाई चलो एक रेस करते चलो, मैंने कहा चलो भाई ओके, बट ये कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, मैंने कोई चीज़ बोल दी थी पहले ही, ठीक है, और हम दोनों ने ही सेफली राइड किया, ठीक है, ज़्यादा टॉप स्पीड भी नहीं करी, आपने मेरा स्पीड वैसे भी आपके सामने रहता है, ठीक है, मैं मुश्किल से गया हूँ 110 से 120 समथिंग में, बस इससे ज़्यादा तो मैं गया ही नहीं, एंड आपको मैंने आज इसका एवरेज भी चेक करा है कि भाई इसका एवरेज कैसा है, ठीक है, पेट्रोल की जगह ये खून ही पीता है। गाइस यार पता है क्या, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत ज़्यादा कोटा का नाम रोशन करना है, बेसिकली बहुत आगे जाना है, ठीक है, ये मान के चलो कि जितने भी ब्लॉगर हैं ना, ब्लॉगर की कम्युनिटी हिला के रख देनी है भाई, ठीक है ना। ये लो गाइस रिएक्शन, एंड गाइस ये नहीं है कि KTM के लिए कोई हेट वगैरह नहीं है, क्योंकि 200cc के अंदर वो भी बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है, KTM इज़ ऑल्सो अ गुड बाइक, ठीक है, उसके लिए कोई हेट वगैरह नहीं है, वो ये ना कि कुछ छपरी राइडर ने बस KTM का नाम ख़राब कर दिया है, हालांकि KTM बहुत अच्छी बाइक है, एक टाइम था कि KTM मेरी भी ड्रीम बाइक हुआ करती थी, ठीक है, बट वो ये कि हमने जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, या तो उससे नीचे होगा या तो उससे ऊपर होता है, ठीक है, कभी भी आप जैसा सोचोगे वैसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ये एक लाइफ का फैक्ट है, ठीक है, जितनी जल्दी आपको ये समझ में आएगा और आ ही जाएगा धीरे धीरे एक्सपीरियंस वगैरह करके, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, बेसिकली आज हम फ्लाई बाय नहीं कर पाए, एंड आई होप उसको हम नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर कवर अप करेंगे, तो इसी के साथ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।